डिकन हाउस के प्रोजेक्ट कनकोडिया कॉलेज डेरा इस्माइल खान में FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग और ICS में दाखिले जारी हैं। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर महदूद सीट्स बाकी हैं। सईद अहमद अख्तर कैंपस नवाबड्डा मुल्तान रोड DI खान। सेमिनार का पर्पस ये था कि हमारा इन 5 कंट्रीज में पाकिस्तान का जो ग्रोथ और फर्टिलिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा है, तो मकसद ये है कि कॉन्ट्रासेप्शन के थ्रू हम इस फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत तेज़ी से एक्सपायर हो रहे हैं और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हम नेक्स्ट 10 ईयर्स तक भी इस रेट के साथ अचीव नहीं कर सकते। बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरह जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है किस तरह हमारे पूरे प्लैनेट को हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रही है, किस तरह हम अपने रिवर्स को पोल्यूट कर रहे हैं, सॉइल को, एयर को, और किस तरह हमारी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती जा रही है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो फाइनली क्या होगा, लोग होंगे, जॉब्स नहीं होंगी तो क्या होगा, लोग सोशल पैथोलॉजीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, डकैतियाँ, कत्ल, आप देख रहे हैं आयरोज़ का मामूल है। ये सैलाब क्या था, ये इसी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ही एक कॉन्सिक्वेंसेस था। फिर वार्स होंगे, टेररिज्म होंगे, फॉर रिसोर्सेज पर कब्ज़ा करने के लिए, तो पॉपुलेशन तो कम होगी, तो क्यों ना अच्छा तरीका अपनाएं कॉन्ट्रासेप्शन वाला। आज गुमल मेडिकल कॉलेज में हमने वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे जो कि 26 सितंबर को मनाई जाती है पूरी दुनिया में, उस हवाले से एक सेमिनार भी अरेंज किया और उसके बाद यहाँ पे हमने हैंड्स ऑन एक्सरसाइज भी उसकी की। तो मुख्तलिफ तलबा जो कि फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर की क्लासेस से थे उन्होंने इसी थीम पर अपने पोस्टर्स भी बनाए थे, उनके दरमियान कम्पटिशन हुआ, तो एक हेल्दी इवेंट था, एक पॉजिटिव ईयर था। पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने वॉक भी की और जो मौजूदा मुल्की हालात है और जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अगर हम स्टडी करें तो इसमें कंट्रासेप्शन की जो अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और आज का हमारा मकसद भी यही था कि हम अपने सोसाइटी के थ्रू और अपने डॉक्टर कम्युनिटी के थ्रू आम पब्लिक जो है हमारी और कंट्री की जो लोकल लोग हैं उन तक अवेयरनेस पहुँचाएँ। किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देख लें, यूरोप को देख लें, आप ज़िंदगी में किसी चीज़ की ख्वाहिश करें, चाहे तालीम है, सेहत है, यही से हटकर वो आपको सब डोर स्टेप पे और टोटली फ्री मिलता है। वजह ये कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, जितने उनके रिसोर्सेज है उसी के मुताबिक वो पॉपुलेशन अपनी कंट्रोल कर रहे हैं। लिहाजा हमारा भी शुरू में थोड़ा सा मजहबी मसला था, अब अल्लाह के फजल से ऐसे उलमा हजरात और मुफ्तियान आ गए जिन्होंने कुछ हद तक हमें इस बारे में सपोर्ट किया। मैं कैटेगरिकली कहूँगा कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ जाना होगा, वरना ये इसको ये एक्सप्लोजन है, मतलब ये एक धमाका है जो हम इस वक्त पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इस वक्त हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, मैं तो ये समझूंगी कि टेररिज्म से भी और जो हमारे इकोनॉमी के डिज़ास्टर्स हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा मसला इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है। उसमें अमूमन ये समझा जाता है कि सिर्फ डॉक्टर का रोल होगा, हम ये चाहते हैं कि कम्युनिटी के लेवल पर इतनी आगाही बना दी जाए कि हर शख्स अपने आप को इसके लिए ज़िम्मेदार समझे। और फैमिली प्लानिंग का मतलब जो है कि हम ये नहीं कहते कि बच्चे बहुत कम हो, हम ये कहते हैं कि अपनी रिसोर्सेज के मुताबिक, माँ की सेहत के मुताबिक वक्त से प्लान किए जाएँ कि कौन सी फैमिली कितने बच्चों को अफोर्ड कर सके। जब आबादी तेज़ी से बढ़ेगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़मीन पर किसी को अपने पैर के नीचे के अलावा जगह भी नहीं मिलेगी। हमारे वसाइल इस मुल्क के इतने नहीं हैं कि हम इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी, खुराक, बुनियादी सेहत के जो सहूलियात हैं वो मुहैया करना भी बहुत मुश्किल है।